इस मॉड्यूल में रोल ऑफ कैल्शियम और रेगुलेटरी प्रोटीन्स मसल कंट्रैक्शन में हम देखते हैं क्योंकि कैल्शियम के बगैर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ये ये बहुत ही ज़रूरी हैं कैल्शियम मसल्स के लिए स्केल्ट मसल्स कंट्रोल ओनली व्हेन व्हेन स्टिमुलेटेड बाय मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन से इम्पल्स आती है और फिर ही फिर अगला प्रोसेस शुरू होता है और मसल कंट्रैक्ट करता है तो व्हेन मसल इज एट रेस्ट व्हेन द मसल इज इज एट इट इज नॉट कंट्रैक्ट इज जस्ट रिलैक्स्ड, द बाइंडिंग साइट ऑन द मॉलिक्यूल्स आर ब्लॉक्ड बाय द रेगुलेटरी प्रोटीन विच आर कॉल्ड दिन तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक पर हम कहते हैं ट्रोपोमायोसन और एक है ट्रोपोनिन और ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर मौजूद होती हैं और अभी हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि और दिस अनदर रेगुलेटरी प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स विच कंट्रोल द पोजिशन ऑफ ट्रोपोमायोसन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स ये सब अभी हम मॉडल के सामने मॉडल्स के एक्सप्लेन करते हैं फॉर ए मसल टू कॉन्ट्रैक्ट कैलशियमस बाइंड टू ट्रोपोनिन दैट कॉज द होल ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स टू चेंज शेप एंड एक्सपोज मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन ये तमाम चीजें जो हैं अब हम इस मॉडल में देखते हैं ना इन दिस मॉडल दिस इज एक्टिन मॉलिक्यूल और ये जो बीड्स हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं एक्टिन के और इसके ऊपर दिस इज एन अदर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम दिस इज वट इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन है इसके अलावा ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बी है और ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसलिए दे आर जस्ट बॉल लाइक अब ये दोनों ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दे आर सेट टू बी द रेगुलेटरी प्रोटीन और ये कैल्शियम इट बाइंड विद द्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स और फिर ये मसल देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स अब हम देखना है कि वट हैपन्स नाउ इस स्टेज स्टेज पे व्हेन इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन नो कंट्रैक्शन इज नॉट अक्रिंग तो हम देख रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये जो डिप्रेशन है जो कि अगली डायग्राम में दे आर वेरी क्लियर के दीज आर द डिप्रेशन या दीज आर द एक्टिव साइट्स जहां पे मायोसिन का एक क्रॉस ब्रिज है उसने इसके साथ अटैच होना है लेकिन ये तब होगा जब इसमें कैल्शियम अटैच होगा यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम व्हेन इट गेट्स अटैच और ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसे हम ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं आप देखो ये जो ग्रीन दैट रिप्रेजेंट्स कैल्शियम आइन्स दे अटैच और जब ये अटैच होंगे तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स वो बिल्कुल उनकी पोजिशन हट जाएगी और ये जो इसमें आ, एक्टिन के अंदर यहाँ पे ये साइट सारी क्लियर हो जाएंगी जिसके साथ फिर वो क्रॉस ब्रिज अटैच होगा और उसको पुश करेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जब तक कैल्शियम जब तक कैल्शियम यहाँ पे मिलके कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो ये जो साइट्स हैं दे विल नॉट बी एक्सपोज एंड वेन दे विल नॉट बी एक्सपोज तो क्रॉस ब्रिज दे नॉट अटैच एंड दे विल बी नो कंट्रैक्शन दैन ज मैंडेटरी कैल्शियम इज दैट्स वाई इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट वेन कैल्शियम इज प्रेजेंट द स्लाइडिंग ऑफ थेन एंड थिक फिल्मेंट्स अकार एंड द मसल कॉन्ट्रैक्ट यही हमने जिक्र किया एंड वेन इंटरनल कैल्शियम 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 कंसेंट्रेट फॉल्स द बाइंडिंग साइड ऑफ एक्टिंग आर कवर्ड एंड कंट्रैक्शन स्टॉप अब यह कैल्शियम कहाँ से आता है ये भी हमने देखना है कैल्शियम कंसेंट्रेशन द साइटोप्लाज्म मसल सेल इज रेगुलेटेड बाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दरअसल कैल्शियम मौजूद है जब कैल्शियम रिलीज होता है तो ये कैल्शियम रिलीज होके फिर वो कॉम्प्लेक्स बनता है और वो फिर कंट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और जब वेन द मसल रिलैक्सिस दिस कैल्शियम दिस कैल्शियम दैट अगेन मूव्स बैक इन टू दार्को रेटिकुलम And that is for the next. You can see the contraction, a contraction phase. So the transportation of calcium from cytoplasm into the sarcoplasmic reticulum is by active transport. When we active transport, that means it needs energy to move back into the sarcoplasmic reticulum, which is the storehouse for the next contraction. The storehouse of calcium for the next contraction. Or uh, this is another model. और इसमें वही है कि दिस द फॉर्म कैल्शियम एंटर हुआ क्योंकि दिस इज रिलैक्सड फॉर्म ये कैल्शियम एंटर हुआ और इसके साथ अटैच हो गया और उसके बाद फिर ये प्रोसेस जैसे हम स्लाइडिंग फिलाेंट थेरी जिसमें हमने पढ़ा कि ये दिस अ क्रॉस ब्रिज ये उसके साथ अटैच हो गया ये उसको पुश किया और उसके बाद फिर ये अगला साइकिल फिर स्टार्ट हो गया जिसे हम दिस पार्ट ऑफ इट दैट हैज़ बिन एक्सप्लेनड इन द प्रीवियस मॉड्यूल